हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम वापस एक और ब्रूच बनाने जा रहे हैं जिसमें कि हम गोल्डन कलर बेसिकली यूज़ करने वाले हैं। ज़्यादातर ये कलर जो है मैंने येलो गोल्डन सब मिक्स करके बेसिकली बना रही हूँ मैं। तो सबसे पहले तो जो मेरे पास क्योर्ड रेजिन पड़ा था गोल्डन कलर का, येलो एंड गोल्डन यू कैन से, वो मैं ऐड कर रही हूँ। उसके ऊपर एक लेयर में बॉल चेन ऐड कर रही हूँ जो कि गोल्डन कलर का है। सो एक लेयर ऐड करने के बाद अभी मैं उसके ऊपर स्टोन चेन भी ऐड करूँगी, जैसे कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में करा था एग्जैक्टली सेम वे में। लेट्स ऐड स्टोन चेन नाउ। तो स्टोन चेन जो है मैं एक और लेयर बस ऐड करने वाली हूँ, मेरा जो बॉल चेन जस्ट उसके ऊपर ही ऐड करने वाली हूँ। तो ये दो लेयर मेरे ऑलरेडी बन गए हैं, अभी एक और लेयर मैं ऐड करूँगी, लेकिन इस बार मैं बिट्स ऐड करने वाली हूँ, वाइट कलर के बिट्स। तो मैंने क्या किया, बेसिकली एक वाइट कलर के थ्रेड में मैंने कुछ बिट्स ऑलरेडी डाल के रखे हैं। आफ्टर एडिंग ग्लू मैं बस वो बिट्स को एक लेयर देने वाली हूँ, लाइक जो मेरा स्टोन चेन का जो लेयर था उसके जस्ट ऊपर मैं बिट का लेयर डालने वाली हूँ। और डालने के बाद फाइनली वो जब भी ग्लू से अटैच हो जाएगा तो मैंने जो थ्रेड ऐड किया था उसको मैं धीरे से निकाल दूँगी, सो दैट बस बिट्स जो है वो रह जाएंगे। तो मैं स्लोली उसको निकाल रही हूँ एंड एज यू कैन सी मेरे जो बिट्स हैं वो प्रॉपरली सेट होके रह गए हैं। अभी हम एक एक्सटेंशन बनाएंगे जिसके लिए मैं एक बड़ा बिट और एक छोटा बिट और एक गोल्डन कलर का बिट यूज़ कर रही हूँ। तो लेट्स कट द एक्स्ट्रास फर्स्ट। तो सबसे पहले तो मैं एक्स्ट्रास कट कर रही हूँ प्रॉपरली, लाइक टू मेक श्योर कि जो मेरे जिस तरह का शेप मुझे चाहिए था, सर्कुलर शेप, वो मुझे प्रॉपरली मिले। और प्रॉपरली कट कर रही हूँ सो दैट मेरे जो बिट्स हैं एट द एंड एजेस में तो वो ना कट हो जाए। एज यू कैन सी बेस बन के रेडी हो गया, बस हमें एक्सटेंशन ऐड करना है। तो एक्सटेंशन के लिए मैंने एक छोटा सा होल किया सबसे पहले। होल करने के बाद जो मेरा एक्सटेंशन था वो मैं अटैच करूँ, लाइक मैं सबसे पहले तो उसको मतलब जो होल था होल में डालने के बाद उसको मैं बस टाइटन करने वाली हूँ, लाइक उसको थोड़ा सा रोल करने वाली हूँ। अगर आप लोग ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अभी बस हम इसे टाइट करेंगे तो हमारा जो बेस है वो बन के रेडी हो गया है। अब बस हमें पिन ऐड करना है, तो पिन के लिए मैं हेल्प ले रही हूँ फेविक्विक का। तो विद द हेल्प ऑफ फेविक्विक मैं अटैच करूँगी और हमारा जो ब्रूच है वो बन के रेडी हो जाएगा। सो आई होप कि गाइस आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।